200 400 पार करेंगे। विपक्ष वाला तो कह रहे हैं कि 150 में से बढ़ रहे हैं, उनका काम है बोलना जी। बाद में जो चुनाव जो मतगणना जो ये चुनाव हुआ है उसमें कह रहे हैं कि धांधली हुआ है। ऐसा तो 10 किलो अनाज देंगे विपक्ष आएगी तब ना, और तो आना नहीं है 5 किलो अभी। अगर हम व्यापारियों से पूछते हैं तो सबसे कोई लाभान्वित व्यापारी गण है इसमें। जब मंदिर नहीं था तो 330 से था। अच्छा अच्छा, मंदिर नहीं था तो नमस्कार, आप देख रहे हैं SSRTU, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। लोकसभा के चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है, कह सकते हैं कि 2 चरणों का बच गया है। 4 जून को सबके लोग अब तैयारी में लग गए हैं। अब ये तैयारी किसकी है, NDA की है या महागठबंधन की, यहाँ पर आए हैं बदकट्टी करने के लिए। व्यवसाय संघ है, मीना बाजार के हैं, हम इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। इस बार किसकी सरकार है सर, बताइए ना। मोदी सरकार कैसे बोल दिए, मोदी सरकार बहुत काम किया है। क्या लग रहा है, 200 पार करेंगे? 200 400 पार करेंगे। विपक्ष वाला तो कह रहे हैं कि 150 में से बढ़ रहे हैं, उनका काम है बोलना जी। उनका बोलना काम है और कुछ नहीं है। लग रहा है? लग रहा नहीं है, होने जा रहा है। क्या कहेंगे सर, बोलिए। इसकी सरकार मोदी सरकार बताए दी हम लोग, तो वो बता दिए तो आप उनके भी बात मान लीजिए। हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि भाई सरकार 400 पार बनने जा रही है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि जो हाल में जो चुनाव जो मतगणना जो ये चुनाव हुआ है उसमें कह रहे हैं कि धांधली हुआ है। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, आप लोग भी इसके गवाह हैं। शिकायत आई है? ऐसे तो हमको सुनने में नहीं आया, हमारे संज्ञान में भी नहीं है। अच्छा, तुमको नहीं लग रहा? क्या कहेंगे सर आप, इसकी मोदी जी की सरकार आओ, किसका सरकार? उम्मीद है, उम्मीद पूरा है। 400 पार है, 400 पार चाचा पढ़ना। किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी की। कैसे बता दिए, डायरेक्ट बता दिए नरेंद्र मोदी की? और राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों, राहुल गांधी है ना देश के बड़े नेता है, महागठबंधन के होंगे जो मानने नहीं वाले। बाद में दिखाइए ना, पहले दिखाइए ना, पहले बताइए ना, पहले आप कैसे कह रहे हैं मोदी जी सरकार बना रहे हैं? वो तो पूरा दिखाई पड़ता है समस्त देश में, वो कहने की बात है। लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। बताइए आप, भैया बताइए। मोदी जी? क्या मोदी जी? मोदी जी जीतेंगे, आओ। क्या उम्मीद है? हाँ, 100%। क्या लग रहा है सर, कह रहे लोग क्या कि अब की बार मोदी सरकार है, विपक्ष कहाँ जाएंगे? मोदी सरकार तो आएंगे ही, तीसरी बार मोदी सरकार आ रहे हैं। कैसे बोल दिए भाई, तो सुने उन्हीं का बात, क्या बोल रहे हैं? नहीं, सुनने से नहीं ना है, काम के प्रति जो रहा, एक एक चीज पे काम हुआ है। जैसे आपको अनाज का हुआ है, आयुष्मान योजना का हुआ है, पुल पुलिया का हुआ है, रोड का हुआ है, सभी क्षेत्र में काम हुआ है। आपको चांद पे जाने का हुआ है, सूरज के जाने हुआ है, एक से छोटे काम से बड़े काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, सभी काम हुआ है। और इसलिए मोदी सरकार इस बार 400 पार। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 10 किलो अनाज देंगे। 10 किलो अनाज देंगे विपक्ष आएगी तब ना, और तो आना नहीं है 5 किलो अभी इस कोरोना काल में। 5 किलो अनाज फ्री में देना, पहले क्यों नहीं दे रही थी विपक्ष की सरकार पहले भी था। सवाल है कि राहुल गांधी ने बताया कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1 जुलाई को प्रत्येक महिलाओं को 8,500 रुपये अकाउंट में खटाखट चल जाएगा। वो लालच में नहीं पड़ने वाला है जनता, जनता विकास के सबका साथ सबका विकास के साथ रहेगी, और प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार आ रहे हैं। अगर हम व्यापारियों से पूछते हैं तो सबसे कोई लाभान्वित व्यापारी गण है इसमें, NDA के सरकार में। क्या सही बात है क्या? हाँ भैया, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को अभी तक बहुत सारा जो है प्रावधान में सहूलियत मिलता है NDA सरकार में। हर तरह का कानून को सरलीकरण किया गया है, हर तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल एकरूपता किया गया है, तो इस वजह से फायदा तो व्यापारी लोग को मिल ही रहा है। और सब कुछ जो है, पहले जो हर तरह की परेशानी रहती थी वो बिल्कुल दूर हो गई। फ्रीक्वेंट मूवमेंट है किसी भी ट्रांसपोर्ट गुड्स का, आप GST नंबर लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फ्रीक्वेंट करो, तो इसमें सब सारी सुविधा है, डिजिटलाइजेशन है, इसलिए सभी व्यापारियों को आराम है। अब आप देखिए मोबाइल से कितना पेमेंट होता है, व्यापारी बैठे बैठे माल मंगा लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि 200 पैसे मर रही है। विपक्ष कुछ भी कर सकता, बौखला गया। हम लोग 400 पार है, मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी के नाम पर तमाम व्यवसाय एक मत। ऐसा नहीं लग रहा कि जुमला है 400 पार? ना ना, जुमला कैसे होगा जी, इनका गुप्त मतदान हो रहा है एकदम, यानी कि जो भी मतदान है उनका मोदी जी के समर्थन में, समझिए कि एकदम मौन है एकदम।
बिहार के कुछ स्थानों पर जो मतदान हुआ है उसमें कहा गया कि हेराफेरी किया गया, वो सब विपक्ष का घबराहट में उसको अपना क्या बोलता है निकामी को छिपाने के लिए वो ऐसा बोल रहा है। ऐसा बात नहीं है, मोदी 400 पार तो करीब 400 आ ही जाएंगे हम श्योर। अबरी बार 400 पार कैसे? हवा हवाई नहीं जी, हवा में नहीं है जी, हवा हवाई तो बोल नहीं जी। राहुल गांधी कहाँ जाए? अरे राहुल गांधी को छोड़िए ना, बिल्ली है बिल्ली। अरे भाई महागठबंधन के बड़े नेता है। अरे बिल्ली है, शेर के साथ रहिएगा शेर बनिएगा, बिल्ली के साथ रहिएगा बिल्ली बनिएगा। मोदी सरकार अबड़ी बात, मोदी सरकार जी क्या बोल रहे थे आप बताइए? मोदी सरकार आ क्या बोल रहे थे? खेत में क्या उगेगा? सोना की चिड़िया उगेगा। मोदी सोना की चिड़िया बहुत हंस रहे हैं। किसकी सरकार? जब मंदिर नहीं था तो 330 था। अच्छा अच्छा, मंदिर नहीं था तो 330 था, अब मंदिर बन गया तो 430। अयोध्या गए हैं, दर्शन किए हैं, लग रहा है उम्मीद है मोदी जो किया है ना अमर रहेगा। अमर रहेगा, क्या कहेंगे आप? अब की बार 400 बार ऐसी है जो बोल रहे हैं सब उसी के अनुसार। सर मोदी जी ने ऐसा काम किया है, अयोध्या में राम मंदिर बना, अनेकों कार्य किए, भाजपा की सरकार फिर बनेगी उम्मीद है एकदम। बेशक बेशक, बोलिए सर। अब की बार 400 पार, इसलिए विकास किए। विकास क्या हुआ है? मंदिर बना है, मंदिर विकास है, विकास है। घंटी बजाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? 7 साल 700 पहले नहीं कुछ हुआ। घंटी बजाएगा तो क्या मिलेगा? 5 साल बस बहुत कुछ किए। क्या कीजिएगा तो क्या मिलेगा? हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ है। पक्का लग रहा है? पक्का 400 पार। चलिए भाई, लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार, और राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं क्या कि खेत में सोना आलू जो उगाना है वो उगाएं। अब देखना है 4 जून को किसकी सरकार, एनडीए की कि महागठबंधन की, ये कयास लगा रहे हैं। इसी बदकट्टी में हम तमाम लोगों से जुड़े गए। आप अपने इस फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, अपना मोबाइल नंबर पता तमाम चीज़ें, हम आपके क्षेत्र में जाएंगे। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।